और कई लोगों का मामला ये भी होता है इफ्तार के ताल्लुक से, ये भी करते हैं कि लोग इसमें भी रिवायत ला लेते हैं या अपने मंतिक उसमें लड़ाते हैं। मंतिक क्या लड़ाते हैं कि अल्लाह ने रमज़ान रोज़े इसलिए रखे और इफ्तार इसलिए रखा, दिन भर अल्लाह भूखा रखता है ताकि रात को तरावी वो पढ़ सके। तरावी पढ़ने के लिए जो आदमी खाना खा लेता है तो तरावी इसलिए रखी गई ताकि उसने जितना खाया उसका हजम हो जाए। लोग ये रखते हैं इसमें तरावी 20-20 रकात इसलिए रखी कि फिर हम जब इतना सारा खा लेते हैं तो उसको एक्सरसाइज के लिए वो हजम हो जाता है। तो इसी को इसको दलील इसको नहीं मिलती है क्योंकि खाने पीने का महीना नहीं है। पहली सबसे पहली चीज़ तो हमको समझने की ज़रूरत है कि खाने पीने का महीना नहीं है। ये जो है जो, और कई लोग इसके ताल्लुक से तंज भी करते हैं कि लोगों का खाने पीने का, मुसलमानों का खाने पीने का महीना आ गया। क्योंकि जैसे ही जो है मुस्लिम मोहल्ले के अंदर देखें तो आम तौर पर दुकानें ही नहीं रहती हैं, टेम्परेरी दुकानें लग जाती, ठेले लग गए, कबाब के ठेले, समोसे के ठेले, पापड़ के थैले, तो आज ये तो खाने पीने का महीना आ गया। और सुबह से तो वो तैयारी कर रहा, शाम को भजिए बनाने, बेसन घोल के रख रहा, सब वो कर रहा था। ये लग रहा है कि खाने पीने का महीना आ गया, सुबह भी खाया आदमी ने, शाम को भी खाया इफ्तार में भी, फिर वापस नमाज़ पढ़ के आया मगरिब का, फिर खा लिया, तरावी पढ़ने गया फिर आके फिर खा लिया। और इसमें औरतें परेशान, उनको वक्त ही नहीं देते इबादत का। औरतों में भी इबादत फर्ज है, वो भी तो उनको भी इबादत करना है, लेकिन औरतों को क्या करते हैं कि मशीन समझ लेते हैं। और औरतें तो सोचती हैं कि कहाँ रमज़ान आ गया, अब तो ये रात से ही परेशान कर देंगे। पहले कम से कम 10-11 बजे खाते थे, अब ये रात को 4 बजे से परेशान करेंगे, इनको खिलाना है, फिर इनके लिए जो है शाम को फिर तैयारी करना है, फिर तरावी के बाद साफ फिर आएंगे, फिर इनको खाना पड़ेगा, तो उनको टाइम भी नहीं देते इबादतों को। खाना पीना ही इसको समझते हैं, इतना वो खाते हैं। और उसके अंदर फिर फरमाइश अलग होती है, अब छोटा बच्चा है, लाड़ला है घर का सबका, अब जो सबके लिए बन रहा है तो खवातीन ने बना दिया, पहले वो खुद भी रोजे से, पहले ही मजबूरी में वो बना रही, जैसे उसने बना दिया, अब बच्चा नहीं था अभी तो इसका पहला रोजा, तो इसके लिए फला फला है तो बनाना ही पड़ेगा। ये तो ये चीज़ खाता ही नहीं, इसको तो ये चीज़ बनाना पड़ेगी, इसको तो लस्सी के साथ में रोजा चाहिए, उसको शरबत के साथ में रोजा चाहिए, तो ये तो और ज़्यादा हो गया, तो खाने पीने का महीना हो गया पूरा। वो खातिन बेचारी परेशान, उसके इबादत का टाइम ही नहीं मिल रहा, कैसे वो क्या इबादत, क्या नमाज़ पढ़े उसके अंदर, क्योंकि वो सेहर की उसने जो है सेहर कराई, उसके बाद से जब से उठती है तो शाम की उसको फिक्र है। वो ख्वातीन भी ये समझती है, कहीं जिनको बनाने का शौक़ होता है तो वो ये समझती है कि बस हमारा तो काम यही है, अब वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि इस फला तारीख को क्या बनेगा, ये बड़ा रोजा आ रहा है इस पर क्या बनाना, इस पर आज बिरयानी बनेगी, कल ये वाली जो है ये बनेगा, ये वाला गोश्त बनेगा, तो ये इसको सारा खाने पीने का महीना लोग बना देते हैं। तो ये खाने पीने का महीना नहीं है, ये खाने पीने का महीना नहीं, इबादत का महीना, इस चीज़ को हमको समझने की ज़रूरत है।